स्वागत है आपका विदिशा यूनिट न्यूज़ में। मैं कृष्णकांत सिंघारी, अब देखते दिन भर की खास खबर। नवरात्रि पर्व के चलते मां अन्नपूर्णा दरबार में प्रज्वलित अखंड ज्योतियां, वहीं शहर के मुख्य मार्ग से धर्म प्रेमी महिलाओं ने निकाली भव्य चुनरी यात्रा, नजर आया धर्ममय वातावरण। केंद्रीय संचार मंत्रालय के प्रशासक एवं नीति आयोग के प्रभारी आए विदिशा दौरे पर, कुछ स्थानों पर पहुंचे निरीक्षण करने। माधवगंज स्थित शिवालय के पास स्वर्गीय प्रफुल्ल शाह की स्मृति में हुआ प्याऊ का शुभारंभ, शहर के वरिष्ठ व प्रबुद्ध जन रहे उपस्थित। अब खबर विस्तार से। नवरात्र पर्व के चलते महिला मंडल द्वारा मुखर्जी नगर स्थित मां अन्नपूर्णा के दरबार में अखंड ज्योतियां प्रज्वलित की गई हैं। मां के श्रृंगार की सामग्री भेंट की गई, वहीं भजन संकीर्तन के दौरान मां के दरबार में महिलाओं द्वारा नृत्य भी किया गया। धर्म प्रेमी महिलाएं मां की भक्ति में लीन नजर आईं। आगामी 3 मई को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। तैयारियों को लेकर भगवान परशुराम सेवादल ब्राह्मण पंचायत के तत्वाधान में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान धर्माधिकारी गिरधर शास्त्री, श्याम सुंदर शर्मा, राकेश शर्मा, मनोज पांडे, कमल सलाहकारी दीपक तिवारी सहित ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ व युवा जन मौजूद रहे। 3 मई को विप्र शिरोमणि भगवान परशुराम का प्राकट्य महोत्सव है, अक्षय तृतीया का पावन अवसर है और इस अवसर को हम अत्यंत धूमधाम से, जैसा कि आदरणीय शास्त्री जी ने कहा, विप्र ब्रह्म दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को मनाए। ये बहुत अच्छा सुझाव है और आप सभी भगवान परशुराम जी की जयंती का महामहोत्सव इस वर्ष हम ब्रह्म दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। परशुराम चौक से जो भगवान का शोभा यात्रा चल समारोह निकलेगा, उसको हमारा यह प्रयास होगा कि भव्य अति भव्य वह चल समारोह रहे, उसमें पूरे जिले और आसपास के जिलों के भी लोग, ब्राह्मण लोग आएँ, अपनी भारतीय वेशभूषा में धोती और कुर्ता पहन करके आएँ, तिलक लगा करके आएँ, अपने भवनों पर परशुराम जयंती के दिन ध्वज लगाएं, अपने अपने घरों पर 11-11, 21-21 दीपक लगाएं, शंख झालर बजाएं और इस वर्ष हम संपूर्ण विद्यार्थी जगत का आह्वान कर रहे हैं, वह परशुराम जी का सुंदर से सुंदर चित्र बनाएं। उस चित्र के परीक्षण विप्र कुल शिरोमणि भगवान श्री परशुराम जी की जयंती का महोत्सव अत्यंत धूमधाम से मनाया जाए, इस हेतु ये मीटिंग यहाँ पर आहूत की गई है। यहाँ पर विप्र समाज के सभी उपवर्गीय अध्यक्षों और के साथ विप्र समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये उत्सव मनाया जाएगा। आगामी वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसे अक्षय तृतीया कहते हैं, उस दिन भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हम परंपरा के अनुसार मनाएंगे। पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल के कारण हम ये उत्सव नहीं मना पाए, इसलिए इस वर्ष ब्राह्मण समाज में और खास करके युवा लोगों में अपार उत्साह है कि 2 साल के विराम के बाद हम फिर इस उत्सव को अभूतपूर्व ढंग से मनाने जा रहे हैं। माधवगंज चौराहे पर शिव कांच मंदिर के सामने स्वर्गीय प्रफुल्ल शाह की स्मृति में चलो आज कुछ अच्छा करते हैं ग्रुप के प्रमुख दीपेश शाह द्वारा प्याऊ का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, पुलिस कप्तान मोनिका शुक्ला सहित अतुल शाह एवं नगर के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। भीषण गर्मी में लोगों की प्यास बुझेगी।
वो खराब है। अब मैं मैडम को ये बताना चाहूँगा, मैंने चार जगह नहीं छह जगह लगाई थी आपका, और ये खुद यूपी साहब खुद अपने पिताजी और उनके चाचा जी की स्मृति में हर साल कराता है। मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि दीपे साहब का एक बार स्वागत। श्री प्रफुल्ल शाह की स्मृति में नवयुवक संगठनों द्वारा यहाँ प्याऊ का उद्घाटन किया गया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और विदिशा जो शहर है वो बुद्धिजीवियों का शहर है, और यहाँ सभी लोग समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आशा इससे प्रेरणा लेकर लोग और भी अधिक जगह पर जल सेवा प्रदान करेंगे। जैसा कि देखने में आ रहा है काफ़ी भीषण गर्मी हो रही है, तो जगह जगह पर लोगों के पानी के साथ साथ पक्षियों के पानी के भी प्रबंध यदि लोगों के द्वारा किया जाए तो ये बहुत ही अनुकरणीय कार्य होगा। गिरीश भाई साहा जी के परिजनों द्वारा, भाई दीपेश जी, भाई समीर जी द्वारा इस विदिशा शहर में अनेक प्रकल्प सामाजिक आप चलाते हैं, और सबसे अच्छा जो इनका प्रकल्प है वो है प्यासों को पानी पिलाना इसी भीषण गर्मी में। वास्तव में प्रमुख छह स्थानों पर पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि ये तो नगर निकाय का काम है, मगर नगर निकाय से बढ़कर कई बार नगर निकाय फेल हो जाता है। नगर निकाय भी कई जगह प्याऊ प्रारंभ करता है मगर समय पर कई बार भर नहीं पाती, मगर ये जो प्याऊ आप संचालित करते हैं ये समय पर भरती है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। आपके द्वारा जो है अनेक प्रकल्प सामाजिक समाज के बीच में जो आपके पूर्वज रहे हैं, आपके स्वर्गीय पिताजी प्रफुल्ल जी और भाई गिरीश जी, वो भी सामाजिक सरोकार से जुड़े रहते हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेकर उनके बच्चे भी ये पुनित कार्य कर रहे हैं। मैं पूरे साहा परिवार को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। ईशा के एक प्रतिष्ठित अनाज व्यवसायी परिवार मोहनजी कल्याण जी परिवार के स्वर्गीय प्रफुल्ल शाह एवं स्वर्गीय श्री गिरीश शाह की स्मृति में उनके परिजनों समीर शाह और दीपेश शाह द्वारा नगर के छह प्रमुख स्थानों पर शीतल जल निःशुल्क उपलब्ध कराने का शुभारम्भ आज पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका शुक्ला जी एवं नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मुकेश टंडन जी व प्रांत गणमान्य नागरिकों के कार्यक्रमों से संपन्न हुआ। साहा परिवार का विदिशा की सामाजिक सरोकारों में बहुत बड़ा योगदान है। मैं दीपेश शाह, समीर शाह और सभी परिवारों के उज्ज्वल नवरात्र के चलते किरीमोहल्ला स्थित श्री रघुनाथ मंदिर से चुनरी यात्रा प्रारंभ हुई, जो देवी का बाग स्थित माँ के दरबार में पहुंची। बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी महिलाएं चुनरी यात्रा में शामिल हुई और धर्म का लाभ लिया गया। ये जो कला ये यात्रा निकली थी चुनरी यात्रा कहाँ से निकली थी, कहाँ से आप? अपने महिला द्वारा सभी भक्तगण के द्वारा ये रघुनाथ मंदिर किरीमोहल्ला प्रारंभ हुई है, जो मुख्य महोत्सव से होते हुए ये देवी बाग लिए आई है। क्या उद्देश्य था इसका? इसका सभी लोगों की इच्छा थी, सभी का प्रेम था। सोनी है, आज हम यहाँ पर सब लोग ये महिला मोर्चा शिवसेना महिलाओं की तरफ से माता की चुनरी हम लोगों ने निकाली हुई है, और इसमें हम लोग सब लोग माताएं बहनें सब लोग मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम में केंद्रीय संचार मंत्रालय के प्रशासक एवं नीति आयोग के प्रभारी हरिरंजन राव का दौरा विदिशा के विकास खंडों के ग्रामों में हुआ।
श्री राव हांसुआ में ओसीटी परीक्षण केंद्र व ग्राम भाटनी की आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। उनके साथ प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित रहे। नमस्कार सर, पीके शॉप से डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर दैनिक वेतन कर्मचारी स्थायी कर्मी श्रमिक महासंघ द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की लंबित मूलभूत समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। हम अपना अधिकार माता जी, किस संस्था से हैं आप और क्या मांग है आप लोगों की? भारतीय मजदूर संघ संबद्ध एक महासंघ है हमारा, जिसमें कर्मचारी अपने मध्य प्रदेश कार्यरत कर्मचारी दैनिक वेतन श्रमिक महासंघ है, स्थायी कर्मी लोग हैं उसका महासंघ है, संबद्ध भारतीय मजदूर संघ है। हमारी शाश्वती मांग ज्ञापन आज पूरे प्रदेश में दे रहे हैं, जिसमें पुरानी बहाली जो अनिश्चित हो गई है, और हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ भी हमारे स्टेट में भी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जिसके लिए कई विधायक अपने माननीय विधायक जी वगैरह ने सबने लिख के मध्य प्रदेश के अंदर लगभग कितने ऐसे कर्मचारी होंगे? करीब 1,00,000 के समथिंग कर्मचारी हैं। कुछ कैसे कर्मचारी हैं जिनको स्थायी कर्मी नहीं बनाया गया, दैनिक वेतन भोगी हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं, अनुकंपनियुक्ति मिल रही है। विभाग प्रमुख भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध मध्य प्रदेश दैनिक वेतन भोगी एवं कार्यभारत कर्मचारी महासंघ की विभिन्न मांगों को लेकर आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। जिस प्रकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जावे, इन्हीं सभी मांगों को लेकर आज हम सब एकत्रित हुए हैं, श्रीमान कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। जिला अस्पताल के सामने सामाजिक संगठनों द्वारा भीषण गर्मी में लोगों की प्यास बुझाने के लिए प्याऊ तो खोल दी गई है, लेकिन खाली मटके कैसे लोगों की बुझाएंगे प्यास? जरूरत है जिम्मेदारियां निभाने की, प्यासे की प्यास बुझाने की। मटके तो हैं लेकिन खाली। कपिल जी, कहाँ रहते हैं आप? पूरनपुरा। यहाँ पर कहाँ पर आए आप? दादी को लेके आए अस्पताल। यहाँ पर जो प्याऊ खुली है अपनों आसरा अपनों का जी, तो यहाँ पर मटके कैसे दिख रहे हैं आप? मटके तो हैं लेकिन इनमें पानी नहीं है सर। तो यहाँ पर पानी जो पानी पीने लोग कहाँ जाते होंगे? ये दुकानों पर जाते हैं जो रखे रहते हैं कैन उनके पास, तो फिर अंदर पीते होंगे जी। कहाँ पर आए आप? हम बहुत तक आए। यहाँ पर जो प्याऊ, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में गैस के पड़े हुए हैं मटके, तो आप लोग पीने के लिए नहीं है, गर्मी इतनी पड़ रही है। कहाँ जाते हैं पानी? परेशान हो रही है, कोई बाहर जाए अंदर जाए पानी पाउच लो पानी पिए, कैसा है? आज की खबरों को देखते हैं, पर बराबर आप देखते रहिए।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।